बट दिस वीलॉग मस्ट बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल दीज गर्ल्स जिनको एक्नी और स्किन और सबके इश्यूज हैं, तो दे ऑल शुड लिसन टू देयर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन. अच्छा अभी मेरे हाथ पे जिसकी कोरिया में बहुत डिमांड है और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी, क्योंकि जब मेकअप इसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स आपको निकलेंगे. एंटी रिंकल की और पिगमेंटेशन की, खवातीन जो बड़ी एज की होती है उनको बड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा होता है कि स्किन काफी खराब हो चुकी है, पिगमेंटेड हो चुकी है, जगह जगह धब्बे पड़े हुए हैं. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून. आज लाए हैं हम स्पेसिफिकली स्पेशल वीलॉग फॉर गर्ल्स. अब व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, सो स्पेसिफिक फॉर गर्ल्स. अब मेरी बीवी कही नहीं नहीं ऐसे नहीं बोले भाई, क्यों नहीं बोले गर्ल्स के लिए स्पेशल और स्पेसिफिक नहीं है. नहीं गर्ल्स के लिए भी, बॉयज के लिए, बॉयज को स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होते क्या? नहीं भाई, हम बॉयज को स्किन प्रॉब्लम नहीं होते. हम एक शैम्पू लेते हैं, टॉप टू टो बात लेते हैं, माशाल्लाह अपनी गाड़ी के साथ चमचमाते हुए शाइनिंग स्किन साथ आ जाते हैं. कोई ग्लास ग्लास स्किन नहीं होती हमारे लिए. नहीं वो साल में एक दफा हमारे नाइन से कहते हैं भाई आज तो फेशियल करा लो, की जारी मेरे यहाँ शादी को 15 साल हो गए, इसके बाद फेशियल नहीं कराते. हम पहले कराते थे, मैंने तो अपनी शादी में फेशियल नहीं कराया था. आई एम माशाल्लाह नेचुरल ब्यूटी. खैर Let's come on the track. आज का वीलॉग है बहुत स्पेसिफिकली ऑन कोरियन प्रोडक्ट. पता नहीं क्या राइजिंग ट्रेंड हो गया, हर लड़की दीवानी है. लड़की नहीं, कुछ आंटी है मेरी बीवी जैसी भी दीवानी है कोरियन प्रोडक्ट, कोरियन प्रोडक्ट, कोरियन. भाई कोरियंस क्या कर रहे हैं ऐसा जो आप सब खवातीन को उन्होंने ट्रैक किया हुआ है, ट्रैक किया हुआ है, बताइए वाई कोरियन प्रोडक्ट? कितने रीजनेबल है? 1500 की ट्यूब मिल जाती है? नहीं, अब इतनी भी नहीं है कि 1500 की मिल जाएगी. नहीं, आप कंपैरिजन कहीं से ड्रॉ करें कोरियन प्रोडक्ट का, कि वो क्यों लेंगे आप प्रोडक्ट? अच्छी नहीं है ना. हाँ. प्रोडक्ट अच्छी है और रीजनेबल है. हाँ, रीजनेबल. और उसका इफेक्टिव रिजल्ट आता है? बहुत इफेक्टिव. कितने दिन में रिजल्ट आ जाता है यूजुअली? पता, ये तो यूज करूंगी तो पता चलेगा, इसलिए तो आई हूं लेने के लिए. अच्छा भाई, अब ये एक ऐसे हमारे पास हमारे जानने वाले एक डीलर है जिनके पास देयर इज अ वैरायटी ऑफ कोरियन प्रोडक्ट और बहुत ही जेन्युइन कोरियन प्रोडक्ट वो इम्पोर्ट भी कराते हैं यहाँ पे. और हम आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं लिंक. सो इफ यू वॉन्ट टू बाय एनी ऑफ द कोरियन प्रोडक्ट फॉर ग्लास स्किन, जो काफी पता नहीं कैसे आती कि नहीं आती. अच्छा मैंने देखा देयर इज अ फेमस सेलिब्रिटी, उसने अपनी एक वीडियो लगाई हुई थी इंस्टा पे कि बिफोर कोरियन प्रोडक्ट एंड आफ्टर कोरियन प्रोडक्ट, और उसकी ग्लास स्किन या तो फिल्टर का कमाल था. नहीं, फिल्टर नहीं, बाकी कोरियन प्रोडक्ट से हो रहा है. अच्छा तो अगर कोरियन प्रोडक्ट से हो रहा है तो हमारे पास भी देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ कोरियन प्रोडक्ट. तो लेट्स गो टू दीस प्रोडक्ट्स और उनके जो डीलर है उनके साथ हम करते हैं छोटा सा इंटरेक्टिव सेशन, वो हमें बताएंगे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में. तो पहले लेते हैं कोरियन प्रोडक्ट का एक ओवरव्यू स्क्रीनशॉट और फिर आपसे डिस्कशन करते हैं प्रोडक्ट वाइज. The lady who is working on these products, और उन्होंने हमें ये बड़ा इंश्योर कराया कि ना सिर्फ ये प्रोडक्ट बिल्कुल ओरिजिनल है, बिकॉज दे आर डीलिंग इन टू डिफरेंट ब्रांड्स. वो ब्रांड्स अपने खुद बताएंगी और जितनी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाई हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी देंगी कि हाउ टू यूज इट एंड हाउ इफेक्टिव दीज आर और क्या पर्पज है. वो जो सारी बोतलों में बहुत खूबसूरत से इसमें रंग बिरंगे से टॉनिक नजर आ रहे हैं, टॉनिक इस्तेमाल कैसे होता है आई रियली डोंट नो अबाउट इट, बट दिस वीलॉग मस्ट बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल दीज गर्ल्स जिनको एक्नी और स्किन और सबके इशूज हैं, तो दे ऑल शुड लिसन टू देयर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन. एंड अगर वो ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो दीज प्रोडक्ट्स जेन्युइन प्रोडक्ट्स या ओरिजिनल प्रोडक्ट मे नॉट बी रेडिली अवेलेबल इन द मार्केट, क्योंकि यहाँ एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स भी बिक रहे हैं. दे हैव एक्सपीरियंस दिस कि इनके ब्रांड्स यहाँ एक्सपायर्ड बिक रहे हैं, लोग खरीदे यूज कर रहे हैं, तो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट से भी जब रिजल्ट आ रहा है तो आप इनके फेसबुक पेज पर जाएं और इनसे डायरेक्ट परचेजिंग करें. ये आपको गाइड भी करेंगी कैसे यूज करना है एंड यू विल सी द डिफरेंस. सो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है. हम आपसे एक प्रोडक्ट का ना ओवरव्यू लेते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, यहाँ से हम शुरू करते हैं. ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर एरोनिक्स हाइड्रोलोनिक एसिड, तो ये क्या होता है मुझे बताएं. मैं आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट का बताती हूँ, अपने पेज का बताती हूँ, कोरियन स्किन केयर ब्रांड्स के बारे में बताती हूँ. मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल आपको कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स नजर आएंगे, बहुत मुख्तलिफ ब्रांड नजर आएंगे. सबसे पहले तो ये बताऊँ कि वी आर द सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ टू कोरियन ब्रांड्स, मेडबी एंड मेडीफ्लावर. ये दो है. मेडीफ्लावर की ही हमारे पास जो दूसरी कंपनी है, मेडीफ्लावर की मतलब समझ लें उन्हीं की जो समझ लें ब्रांड है वो है एरोनिक्स के नाम. एरोनिक्स, हाँ. Okay. तो ये सिरम के ऊपर काम कर रहे होते हैं. हाँ. सबसे स्पेशल बात मैं आपको बताऊं कि हमारी जितनी भी कोरियन ब्रांड्स हैं इसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, कोई भी केमिकल्स इसके अंदर यूज नहीं होगा. ठीक है, सबसे पहली बात ये है.
दूसरी बात ये है कि हमारे पास फेस वॉशेस की बहुत लंबी रेंज है। ये जो आपके पास खूबसूरत से फ्रूटफुल फ्लेवर में रखे हुए हैं, ये क्या नाम है इनका? जी, ये हमारे पास सोडा फोम क्लींजर्स हैं और आजकल इसकी बड़ी डिमांड है कि सोडा फोम क्लींजर्स। सोडा फोम क्लींजर्स, तो ये सोडा फोम क्लींजर किस टाइप की स्किन के लिए होते हैं? हर स्किन टाइप के लिए होते हैं? वैसे तो हर स्किन के लिए होते हैं, लेकिन यूजुअली ये होता है एक्नी प्रोन स्किन के लिए। एक्नी प्रोन स्किन, ओके, जो आपकी बहुत ज्यादा एक्नी प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। देखिए, बहुत सारी एक्नी ऐसी जिसको मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। मैं आपको बिल्कुल हरगिज ये नहीं कहूंगी कि आपके एक्नी अगर आ रही है तो हमारी आए और फेस वॉश करी तो एक्नी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके एक्नी का प्रॉब्लम है, मेडिकेशन चल रही है, तो ये आपके एक्नी को कंट्रोल करता है। इसलिए कि सीबम कंट्रोल करता है, ये आपकी पोर्स जो है ओपन पोर्स उसको ब्लॉक करता है, आपका ऑयल इम्प्योरिटीज जो भी आपकी स्किन पे होती है वो सब रिमूव करता है। तो ये आपकी एक्नी स्किन के लिए बेहतरीन मतलब हमारा फेस वॉश। ओके, तो आप इसमें जो डिफरेंट ये रंग बरंगे, मुझे तो इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ये जो फ्लेवर्स हैं खाली इनके या ये डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए भी है? देखिए, ये स्किन टाइप्स तो मैंने आपको बता दी कि हमारे ऑल स्किन मतलब जितनी भी नॉर्मल ऑयली हर स्किन टाइप्स के लिए है। देखिए, हमारे पास इसमें वेरिएंट जो दिए हैं, अक्सर लोगों को उनकी कुछ स्मेल्स का होता है इशू, भाई ये स्मेल है, लेकिन हमारे पास जो सिंपल अक्सर लोगों को होता है कि भाई विटामिंस के प्रोडक्ट यूज करें तो हमारी स्किन पे सूट नहीं कर रही है, लेकिन इसके दो वेरिएंट ऐसे हैं जो हमारे पास विटामिंस के लिए, एक ये लेमन और ग्रीन टेंजरीन। ये हमारे पास विटामिंस का जो लोगों को सिट्रस प्रोडक्ट चाहिए होती है ये उसके लिए है। ठीक है, बाकी वेरिएंट जो है इस सब पर्पस सबका सेम है, लेकिन ये वेरिएंट सिर्फ हमें दिए गए ताकि हमारी चॉइस होती है कि हर किसी को भाई ये फूड स्मेल पसंद है, ये फूड स्मेल पसंद है। लेकिन आप कहते हैं कि अगर ये आपके पास दो एक्नी है तो एक्नी पे यूज ना करें? एक्नी सारे यूज कर सकते हैं, लेकिन ये समझे कि एक्टिव एक्नी का ये सोल्यूशन है, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर एक्नी स्किन। लेकिन एक्नी अगर आप चाहते हैं कि आप इसको मतलब रेगुलर यूज करेंगे तो हाँ, इससे एक्नी पे जो है वो इफेक्ट नजर आएगा। और कितने दिन में एक आइडियली आपको इफेक्ट नजर आता है इसका? देखिए, 1 month जो चाहिए, कंसिस्टेंसी हमें चाहिए हर चीज के लिए। हम अक्सर हमारे जनरली चल रहा है सिलसिला के लोग समझते हैं आज हमने प्रोडक्ट खरीदी, आज यूज की, एक हफ्ते के बाद रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो एक महीने में रिजल्ट नहीं मिलता, आपको कम से कम कोई भी प्रोडक्ट 1 month आप यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट नजर आएगा। अच्छा, आप मुझे बताएं, ये अगर आपसे हम परचेज करें, आपका फेसबुक लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, तो क्या आप यहाँ आर यू कम्फर्टेबल की हमसे एक आइडियली प्राइसेस इसके रेंज बता सके, या आप वही पर्सनली डीएम पे आप बताएंगे? हम लोग असल में पेज पे प्राइस डिस्क्लोज नहीं कर रहे होते, हम जनरली सब जो हमसे इनबॉक्स कर रहा है हम उसको प्रोडक्ट की डिटेल से बताते हैं। अगर आपसे कोई बहुत वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब 4-5 प्रोडक्ट है, तो आप डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं? हम उनको डिस्काउंट भी देते हैं, और उसके अलावा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री वन डे शीट मास्क भी है, वो भी अभी यहाँ पे शायद पिक्चर में नजर नहीं आ रहा आपको, लेकिन हम उनको कॉम्प्लीमेंट्री जरूर गिव करते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि अगर आपसे कोई बहुत सारे प्रोडक्ट लेता है तो आप उसको डिस्काउंट ऑफर करते हो, क्या आप कैश ऑन डिलीवरी पे डील कर रहे होते हैं? डिलीवरी फ्री आपकी? स्पेशली ये राहिल ब्लॉग जो है, जो आप इनको 20% डिस्काउंट दे रहे हो? अरे वाह भाई, तो आप हमारे रेफरेंस अगर देंगे, मेरे व्लॉग पे पहले कॉमेंट करें जाके कि हमने व्लॉग देखा है, ताकि इनको एक जनरल में स्क्रीनशॉट भेजूंगा कि ये जो कस्टमर आ रहा है ना मेरे व्लॉग से आ रहा है, तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन आप इनको कैश ऑन डिलीवरी और ऑनलाइन पेमेंट पे ही करते हैं, दोनों ऑप्शन है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, हमने डिस्कस किया आपका सोडा फोम वॉश, अब हम आते हैं ये क्या है ये बताइए। ब्लैक हेड और पर्दा भी नहीं आ रहा मुझे, वो भी आप ये देख रहे होंगे आजकल ब्लैक हेड्स का सबको मसला है। हां, मेरी रेगुलर स्ट्रिप्स यूज करके जो हो रहा होता है, अक्सर क्या होता है पोर्स ओपन रह जाते हैं। हम जो ब्लैक हेड रिमूवर स्ट्रिप्स यूज करते हैं ना, उससे क्या होता है ओपन पोर्स तो रह जाते हैं, ब्लैक हेड्स निकल गए, अंदर से पोर्स आपके विजिबल हो रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके फ्रीक्वेंट रेगुलर इस्तेमाल से ना आपके ब्लैक हेड आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे, स्किन आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। जी, क्या है ये सीबम कंट्रोल? इस पे चारकोल एक्चुअली है, आप देखोगे इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है उसके अंदर चारकोल मौजूद है। ओके 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 ओके, चारकोल यूजुअली ब्लैक हेड्स के लिए यूज हो रहा होता है। हाँ, और उसपे जितने इंग्रेडिएंट्स सब नेचुरल। तो ये आप बताइए, इसको वन टाइम यूज होता है या ये रूटीन में आपको यूज करना पड़ता है? रूटीन में यूज करना पड़ता है, यूजुअली लोग 1 to 2 times यूज कर रहे होते हैं, जैसे डेली फेस वॉश यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, इस तरह ही यूज करना है। और ये सिर्फ नाक के ब्लैक हेड्स आपको पता होते हैं या पूरे फेस के निकलते हैं? पूरे फेस का ये कंट्रोल, पूरे फेस के कंट्रोल। लेकिन ज्यादातर जो होता है आपका जो ये नोज एरिया है ये ज्यादातर उसको भरे हुए होते हैं ना। अच्छा, ये जितनी काली मेरी नाक है मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था, मगर क्या इसमें मैं कितनी दफा लगाऊंगा तो ये साफ हो जाएगी? ये आपको ना कम से कम 15 days रेगुलर इस्तेमाल करेंगे ना आपको रिजल्ट। पहले तो मैं 15 days लगाता हूँ अपनी नाक पर, जब मेरी ग्लोइंग नाक नजर आ रही है ना, पिंक करीना कपूर जैसी नाक मेरी हो जाए, तो फिर आप इनके पेज पे जाकर परचेज कर लीजिएगा। नहीं, यू कैन ट्रस्ट देम, ये बहुत ही रिलायबल है और बहुत जेन्युइन प्रोडक्ट है, और मेरी बीवी पीछे बैठी हंस रही है कि इस सब चीजों से एक चाहिए। तो खैर, आगे चलते हैं हम क्लींजिंग फोम के ऊपर। ये जो क्लींजिंग फोम है ये डल स्किन के लिए अनइवन स्किन टोन है, लेकिन आप ऐसी प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं जो आपको फेस वॉश करने के बाद एकदम से आपको एक ग्लो नजर आए फेस पे, तो ये कैलामानसी है। कैलामानसी बेसिकली लेमन से भी ज्यादा पावरफुल एक कोरियन समझ रहे हैं आप, जैसे कि लेमन होता है ना इसी टाइप के फ्रूट है कैलामानसी के नाम से। इसके अंदर वो लेमन से 100% मोर उसके अंदर जो है विटामिन सी होता है।
ग्लो देती है तो ये आपकी स्किन को डेफिनेटली ग्लो करेगी। क्या मेरी बीवी की स्किन सुबह मायरा खान जैसी हो जाएगी? देखिए आपकी बीवी की मायरा खान जैसी स्किन है, मायरा खान ज्यादा अच्छी स्किन आप मुझे क्रिटिसाइज नहीं करें, लेट्स बी फोकस्ड। अच्छा जी अभी बताइए क्या है? ये हमारे पास टोनर्स हैं, ये मिल्की एक एंटी रिंकल के लिए स्पेसिफिकली है, एक ये वाइटनिंग टोनर है। अच्छा। ये आपकी पीएच वैल्यू जो फेस की हो रही होती है उसको मेंटेन करता है। अच्छा ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे आपकी स्किन पे देखिए इसके अंदर वाइटनिंग्स जो है ये आपकी स्किन टोन को बेहतर करता है। अच्छा ठीक है, तो ये आपकी स्किन टोन पे जो आपके डार्क सर्कल वगैरह होते हैं उस चीजों को भी इम्प्रूव करता है? बिल्कुल करता है ये, लेकिन ये आपका देखिए असल में क्या होता है, हर फेस का जो पीएच लेवल होता है अब हम आ गए इनकी एक और नई प्रोडक्ट पे जो बहुत ही खूबसूरत सी इसकी मुझे पैकिंग लग रही है, मुझे बड़ी अट्रैक्ट कर रही है इसकी पैकिंग। ये क्या है आप मुझे सुनाएंगे? इसका नाम है मेरे ख्याल से वंडर फिट बीबी। जी हमारे पास बीबी क्रीम है, फाउंडेशन से कहीं ज्यादा बेहतर होती है कि आपको कभी ऐसा है कि ऑफिस वेयर है या बच्चे कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो ये नहीं होता कि आप हर टाइम जो है वो फाउंडेशन यूज करें, कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करें, तो ये समझने कि ये एक क्रीम है और ये इसका सोल्यूशन है कि आप कहीं निकल रहे हैं आपने बीबी क्रीम लगाई और चले भाई आपकी स्किन नहीं। बीबी क्रीम इज सम सॉर्ट ऑफ बेस, थोड़ा बहुत मुझे मेकअप का आइडिया है। बीबी क्रीम के साथ साथ इसके अंदर जो है आपकी प्रोटेक्शन करती है यूवी रेडिएशन की। अच्छा यूवी रेडिएशन को भी प्रोटेक्ट करती है, तो मतलब आप ये लगा के दिन भर में निकल सकते हैं बीबी, मतलब आने नहीं कि आप कहीं बाहर निकल रहे हैं, यूजुअली लोग स्कूल कॉलेज के लिए निकल रहे होते हैं, ऑफिस के लिए। तो ये रेगुलर सनब्लॉक से बेहतरीन ऑप्शन है आपके ख्याल में कि आपका बीबी आपका फाउंडेशन के बजाय बीबी क्रीम लगा आपकी स्किन जो होती है ना सिर्फ, तो यू कैन यूज इट एज अ मेकअप बेस भी। इसके बारे में बहुत क्यूरीज आती है कि भाई इसके अंदर हम कौन सा यूज करें, कौन सा, क्योंकि इसमें भी हमारे पास 3 स्किन टोन के हिसाब से है। अच्छा। इसमें नंबर है क्योंकि आपकी जो स्किन टोन है उसके हिसाब से आपको यूज करना होगा। अच्छा। एक तो हमारी एशियन स्किन टोन के लिए हमारे पास जो है वो है नंबर 21 इसके अंदर, नंबर 21 और दूसरा हमारे पास है फेयर कॉम्प्लेक्शन, किसी का बहुत ज्यादा होता है तो उसके लिए हमारे पास ये है हमारा 13। तो आपके पास सारे रेंजेस इसकी अवेलेबल है? बस 3 है लेकिन एक बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन हमने वो नहीं मंगाया, हमारे पास वही मंगा एशियन स्किन टोन और फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए मंगा है। So you said this is a very good product for regular use. बिल्कुल बिल्कुल, आज जैसे स्पेशली ये देखें आप कि इनके इंग्रेडिएंट आजकल बहुत सारी मार्केट में बीबी क्रीम आ रही होंगी आप लोग देखते रहे होंगे, लेकिन ये इसके अंदर भी मैं आपको फिर ही बताऊंगी अगर आप इनके इंग्रेडिएंट्स देखें तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो है वो सब नेचुरल है। और दूसरा ये कि ये आपकी जो दाखिली मार्केट प्रोडक्ट है उसे कितनी रीजनेबल है प्राइस रेंज वाइज? प्राइस रेंज वाइज तो देखिए कोरियन प्रोडक्ट्स मार्केट में जो मिल रही है आप लोग जो बहुत सारे नोन ब्रांड्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, इसके कंपैरेटिव हमारी बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा रेट्स नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन रख के नहीं काम कर रहे हैं, तो ये आपको वहाँ पेज पे बड़ी रीजनेबल मिलेगी। अच्छा अभी मेरे हाथ पे बीबी क्रीम का सैंपल ट्राई कर रही है कि हाउ दिस वर्क्स, एक स्पॉट लिया है इन्होंने और इसको ये अब रब करेंगी तो ये कहती हैं ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक स्मूथ और ग्लोइंग स्किन का बेस आ जाएगा, एब्जॉर्ब करा ले, अल्ट्रा वायलेट लाइट से प्रोटेक्शन भी मिलेगी, सनलाइट से प्रोटेक्शन भी मिलेगी और मेकअप की बेस भी तैयार हो गई। एंड आई थिंक मुझे बड़ा डिफरेंस फील हो रहा है अपने हाथ में, दोनों हाथ में ऊपर और नीचे की स्किन टोन में, वो तो मेरे हाथ ही काफ़ी बच्चे का लगे, खैर ये तो मेरे हाथ का प्रॉब्लम है। सो दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट आपकी बहुत ही मुझे अच्छी लगी, डब्बे के हिसाब से भी अच्छी लगी और इसकी बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है। सो ये जो दो क्रीम्स रखी इनके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या है, एक है आपकी एंटी रिंकल क्रीम है, ये हमारे मेडबी की 2 प्रीमियम क्रीम है जिसकी कोरिया में बहुत डिमांड है और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ हम सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बाकी ये आपको और कंट्रीज में अवेलेबल है। तो पाकिस्तान में सिर्फ आपके पास ये प्रोडक्ट एंटी रिंकल भी और एंटी वाइटनिंग भी, ये अनइवन स्किन टोन के लिए, आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है, आपके स्किन के ऊपर किसी भी किस्म के दाग धब्बे हैं, डार्क सर्कल्स हैं, ये उसके लिए वाइटनिंग के लिए। ओके और ये आपके ख्याल में ये भी डेली यूज की क्रीम है? ये आपके पास डे क्रीम के तौर पर और नाइट क्रीम के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपने सूट करना है, अगर आप रात में लगा के सोएंगे तो नाइट क्रीम के तौर पर इसको यूज कर सकते हैं। ओके अक्सर लोग डे क्रीम के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पास डे और नाइट क्रीम के तौर पर। ये रिंकल क्रीम में कितनी दफा लगती है एंटी रिंकल क्रीम? ये भी वन टाइम है, ये भी आप नाइट क्रीम के तौर पर यूज कर सकते हैं और डे क्रीम के तौर पर यूज कर सकते हैं। आपकी पता है क्या होता है, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, हमारे यहाँ सब कहते हैं कि एंटी रिंकल चीजें सब बकवास आती है, उसकी वजह की हमारी पाकिस्तानी खवातीन जो होती है ना जब 50 क्रॉस कर लेती है फिर उनको
ख्याल आता है कि अरे हम एंटी रिंकल पे काम करें, बात की होती है कब से यूज करनी चाहिए, 30 इयर्स के आप हो जाए तो आपको उस वक्त अपनी स्किन की केयर शुरू करनी चाहिए, उस वक्त आपको एंटी रिंकल पे आ जाना चाहिए। तो अगर आप सही टाइम पे यूज करेंगे सही प्रोडक्ट, तो उसका रिजल्ट भी आपको सही नजर आएगा। चले जी, ये तो एक बहुत अच्छी आपके लिए, उन खवातीन के लिए, स्पेशली फॉर ऑल दोज आंटीज हु आर माई सब्सक्राइबर, जिनकी एज 50 प्लस है, परेशान ना हो, डोंट लूज होप, आप ट्राई करें, यू विल गेट अ रिजल्ट, बट यू कैन गेट अ वेरी गुड रिजल्ट एट अ वेरी अर्ली स्टेज अगर आप 35 प्लस की हैं। तो सिस्टर्स, बहनों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, स्टार्ट यूजिंग दिस प्रोडक्ट, और इनकी प्रोडक्ट जो है मुझे बहुत अच्छी लग रही है, पैकिंग के हिसाब से भी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की, तो ये गारंटी ले ही रहेंगे। अच्छा, अब देयर इज समथिंग टी ट्री, इसको हम देखते हैं, व्हाट इज दिस टी ट्री? ये हमारे पास पील ऑफ पैक है टी ट्री का जी। हमारे यहाँ अक्सर स्क्रब यूज हो रहे होते हैं, आप देखिए स्क्रब से, लेकिन हर किसी स्किन को स्क्रब सूट नहीं कर रहे होते, क्योंकि उससे क्या होता है, अक्सर उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं कि आपकी स्किन को हार्श करते हैं, थोड़ा सा रैशेज हो जाते हैं। तो ये आप इसके बजाय मैं आप लोग कहूँगी आप लोग ये मास्क यूज कीजिए। ये मास्क भी वही काम करता है जो आपके क्या करते हैं, क्या नाम है, स्क्रब काम करते हैं। मैंने आपको काफी वाइवा ले लिया आज वैसे एकदम से। और ये जो प्रोडक्ट रखी है आपकी क्लियर वे पेन ग्रीन, हमारे पास जो फेशियल क्लींजर है आजकल राइस क्लींजर्स बहुत है। अच्छा, राइस मत, तुम भी राइस पे काम कर रही थी, कुछ राइस वाटर बना के लगा रही थी, वो उसी टाइप की चीज है। But this is a better product. आपके जो ये फेस वॉश की सीरीज थी ये वाली आपने दिखाई थी, क्या इसके साथ साथ ये भी यूज कर सकते हैं या अलग स्किन टाइप के लिए? आप ये भी यूज कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके एक्ने स्किन भी है और आप साथ में ये ग्रीन फेशियल यूज करते हैं, आप एक टाइम सुबह के टाइम ये यूज कर सकते हैं और रात में सोते इन कॉम्बिनेशन जी, ये आपको साथ में दो यूज करने पड़ेंगे। ओके, और ये क्लियर वेप रखा है क्लींजिंग, ये हमारे हाइलुरोनिक एसिड के लिए, ये हाइलुरोनिक एसिड के लिए नहीं, ये आजकल लोग डिस्कस करते हैं हाइलुरोनिक एसिड, और ये क्या है ये हाइलुरोनिक एसिड, आप जगह जगह चीज रखी है, ये वाली पूरी सीरीज रखी है आपकी, बताएं इसके बारे में जरा। देखिए, हाइलुरोनिक एसिड हर स्किन में मौजूद होता है, लेकिन एज के साथ साथ हमारा हाइलुरोनिक एसिड जो स्किन का होता है वो कम से कम होता चला जाता है। अच्छा, जैसे हम ग्रो करते हैं हमारी एज ग्रो होती है, तो ये आप अगर आप हाइलुरोनिक एसिड के जब आप तलाश में है कि हमें हाइलुरोनिक एसिड प्रोडक्ट चाहिए, तो ये आपको जनरल प्रोडक्ट मिलेगी। ये बस पूरी किट है जिसमें फेस वॉश है, स्लीपिंग पैक है, ये मास्क पूरा, ये आप रात में लगा के सो जाएं और सुबह आप जो है वो, तो ये मास्क है, ये एब्जॉर्ब जाता है, ये एब्जॉर्ब होता है, आपके पास पूरा है। उसके अलावा बस ये सीरम है और ये क्रीम। अच्छा, मैंने अपनी मदिया, तुम जो सीरम यूज करती हो तो इतनी इतनी सी बोतलें आती हैं, इतनी इतनी नन्नी मुन्नी सी, तो बड़ी बोतल है ये, बड़ी बोतल से मतलब है कि ये तो आपकी बड़ी रीजनेबल प्रोडक्ट लग रही है मुझे, क्योंकि देखिए अब तक जितने भी सीरम मार्केट में 30 ml से ज्यादा नहीं है, ये 50 ml हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, और उसी रेट में ऑलमोस्ट, उससे कम ही है, उससे कम है, अंदाजा लगाएंगे। तो अगर एक रेंज बताएं मार्केट में सीरम कितने का लेते हैं हम, आप कितने का मार्केट में मिल रहा होता है? 2500 तो मतलब जो इस साइज का मार्केट में सिरम मिलेगा वो 5 से 6 हजार का होगा। तो मतलब ये सिरम प्राइस वाइज अगर हम देखें मार्केट में जो इसके हाफ प्राइस में इसकी हाफ क्वांटिटी हमें मिल रही है 2500 से 3000 रुपए की, तो ये उसका ऑलमोस्ट डबल आप उससे भी प्राइस में कम में दे रहे हैं, तो इट्स वेरी रीजनेबल। जी, मैं आपकी बात काट रही हूं, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये, लेकिन अगर आप कोरियन प्रोडक्ट्स के सिरम्स देखेंगे तो वो 5 से 6 हजार रुपए के मिल रहे हैं। अच्छा, ये आपको हमारे पास तकरीबन 3500 रुपए की रेंज में मिल जाएगा, प्लस 20% ऑफ ऑन माय कमेंट। अगर माय कमेंट्स मतलब मेरे व्लॉग पे कमेंट करके जाएंगे तो 25-20% मिलेगा आपको, डोंट फॉरगेट दिस थिंग। अच्छा जी, चले, ये तो एक लाइटर नोट पे हम बात कर रहे थे, लेकिन ये कि ये पूरा पैक ऑफ फोर खरीदना जरूरी है, किसी को चीज चाहिए तो आप एक चीज भी देते हैं, बिल्कुल जरूरी है। अगर आप हाइलुरोनिक एसिड का सिर्फ फेस वॉश पे यूज करते हैं तो बस कर देगा, हाइलुरोनिक एसिड को मेंटेन करता है। सीरम जो यूजुअली यूज हो रहे होते हैं, अक्सर लोग मेकअप से पहले यूज कर रहे होते हैं, अक्सर रात में लगा के सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, और फिर सीरम के ऊपर लगती है क्रीम, समझ ले तो फिर डबल एक्शन होगा, जाहिर सी बात है जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। हां, बीवी ज्यादा अच्छी होगी तो फिर नखरे भी ज्यादा दिखाएगी, मगर वो याद आ गई आपकी नीचे इसी तरह का एक सीरम का सेट रखा हुआ है, ये इसमें देयर इज अ क्रीम सीरम, और ये इसी का दूसरा कोई वो है? देखिए, इसके अंदर हमारा विटामिन सी,
वाइटामिन सी है और वो कौन सा हाइड्रोलिक एसिड, ये हमारे पास दो है, एक वाइटामिन और एक ये आपकी, ये भी यहाँ पे जो इसके हम अगर फायदे बात करना पता होगा मार्केट का हर कोई वाइटामिन सी सीरम्स की बहुत डिमांड है हमारे पास। अच्छा, तो ये भी आपकी अनइवन स्किन है, आप धूप पे बहुत ज्यादा निकलते हैं, स्किन खराब हो गई है आपकी, आपके पास एक्नी स्पॉट्स है फेस पे, ये सब चीजों को ना बहुत आपकी स्किन को मेंटेन करती है। ओके ओके, सो इट्स अनदर, मतलब डिफरेंट स्किन टाइप के लिए है ये वाले प्रोडक्ट। स्किन तो हमारे पास सारी स्किन टाइप है, हमारे हर प्रोडक्ट नहीं, मतलब ये हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन सी अलग अलग है, इनका इंग्रेडिएंट विटामिन सी है और ये हाइलुरोनिक एसिड। अच्छा, आप मुझे थोड़ी सी चीजें और ये भी बता दें, आप मेरे को बहुत टाइम ले रहा हूँ, ये क्या है यूवी फिल्टर? ये हमारे पास है सनस्क्रीन। अच्छा, इसमें ये सीका इंग्रेडिएंट मतलब सीका के नाम से, ये आप देख रहे होंगे बहुत सारी कोरियन प्रोडक्ट में सीका का इंग्रेडिएंट यूज हो रहा होता है, इसकी ये है, उसके अंदर भी सीका है हमारे पास। आपसे बात कर रहे थे इस यूवी फिल्टर के ऊपर, तो आप इसके जरा बेनिफिट बताएं मुझे, यूवी फिल्टर के क्या है? ये हमारे पास सनस्क्रीन क्रीम है और ये जो है इसके अंदर एसपीएफ 50 मौजूद है, हमारे पास जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है SPF 50, ये हम लोग ज्यादातर सनस्क्रीन के अंदर मौजूद होता है, ये हमारी स्किन को ना सिर्फ और सिर्फ धूप से नहीं बचाता, ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास एंटी रिंकल और वाइटनिंग फंक्शन देता है, और इसको लगा के आपकी स्किन ग्रीसी नहीं होगी, जैसे कि अक्सर आप कोई भी ऑयली लगने लगती है, ग्रीस छोड़ देता है, ये बिल्कुल जो है अब्सॉर्ब हो जाएगा, अब्सॉर्ब हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास इसके अंदर सी का जो है वो इंग्रेडिएंट मौजूद है, कोरियन का अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी ब्रांड के अंदर लोग दावा करते हैं इसमें सी का इंग्रेडिएंट मौजूद है, इसके अंदर ये सी का सनस्क्रीन क्रीम है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट मौजूद ही सी का है, और ये सी का भी प्लांट बेस है, नेचुरल। अच्छा, ऑर्गेनिक है जी। अच्छा, इसके बारे में बताएं, व्हाट इज दिस डीपी डाइपेंथेनॉल है, ये भी हमारे पास इंग्रेडिएंट होता है कोरियन। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितनी प्रोडक्ट्स हम आपको दिखाएंगे सब मेडबी की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, इनके इंग्रेडिएंट्स और हाउ एंड व्हेन टू यूज इट ये सब आपको वहां से मिल जाएगा, तो बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट इफ यू वांट एनी कॉन्फर्मेशन तो आप वहां जाएं, वहां से देखें, अपनी सेटिस्फेक्शन करें और अपनी स्किन टोन के हिसाब से ही आप प्रोडक्ट खरीदें। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मैं आपको यहाँ एक व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ, जिधर से आप फेसबुक लिंक के अलावा वो नंबर है, आप वहां से इनसे अपनी काउंसलिंग भी ले सकती हैं रिगार्डिंग योर स्किन, कोई प्रॉब्लम्स है तो वो आपको गाइड करेंगी कि व्हाट मतलब डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ योर स्किन इशू, ये आपको अपना प्रोडक्ट और अपना सोल्यूशन रिकमेंड करेंगी कि आप क्या यूज करें। सो एक दो प्रोडक्ट हम इनके और देखते हैं, फिर हमका बहुत टाइम ले चुके हैं। ये बताएं मुझे ये क्या है, ये जो दो बड़ी बड़ी सी बॉटल्स रखी हुई है, सी सॉल्ट, ये डीप क्लींजिंग वाटर है, ये डीप क्लींजिंग वाटर्स है, बेसिकली ये मेकअप रिमूव के लिए यूज होते हैं, और ये मैं बता दूं इस पर दो वेरिएंट है, एक है आर्टिमीसिया, आर्टिमीसिया प्लांट है और यूजुअली आयुर्वेदिक जो होती है बहुत सारी हीलिंग प्रोडक्ट्स उसके अंदर पाया जाता है, ये स्किन बाउंस पे भी काम करता है, स्किन रैश पे भी काम करता है, तो ये वैसे मेकअप रिमूव करने के साथ साथ ऑयल कंट्रोल भी करता है आपकी स्किन का, और ये इम्प्योरिटीज जो भी स्किन पे होती है। नहीं, ये आप दिन में एक दफा यूज भी कर सकते हैं, उसके अलावा आप जब मेकअप इसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अच्छा, उसके लिए जरूर इस्तेमाल करें स्पेसिफिकली मेकअप। इसमें ये डीप सी सॉल्ट, आपको पता होगा सी सॉल्ट, सॉल्ट जो है वो कितना इफेक्टिव होता है स्किन के लिए, स्किन डर्ट के लिए, स्किन जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव करता है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात, सॉरी आपको मैं डस्ट इंटरप्ट कर रहा हूं, ये जितनी प्रोडक्ट है आपकी ये सब बॉयज एंड गर्ल्स यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, दोनों यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सब यूज कर सकते हैं, दोनों के सेम स्किन प्रॉब्लम्स वो यूज कर सकते हैं, दिस इज गुड। तो सी सॉल्ट के बारे में बता रही हूं, सी सॉल्ट इज वेरी इफेक्टिव फॉर व्हिच काइंड ऑफ स्किन? ये हमारी जो स्किन इम्प्योरिटीज होती है और डेड स्किन होती है, डेड स्किन सेल्स के ऊपर काम कर रहे होता है सॉल्ट, यूजुअली हम देखे ना बहुत सारे पेडीक्योर वगैरह में आप सॉल्ट में अपना पैर डिप करके बैठ रहे होते हैं, तो उससे आपकी क्या होती है डेड स्किन रिमूव होती है, तो आपकी जो डेड स्किन रेगुलर आप बाहर निकल रहे होते हैं स्किन के ऊपर लेयरिंग हो रही होती है आपकी इम्प्योरिटीज की, ऑयल की, ये सब चीजें जो रिमूव करती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट मुझे और बताएं, आपकी जितनी प्रोडक्ट है इनकी शेल्फ लाइफ कितनी है? एक साल की है करीब, बिल्कुल दो साल की है, और ये जो जनरली जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हैं आइडिया होगा कि दो साल की जो लिखी हुई होती है वो पैकिंग खुलने के बाद की लिखी हुई। अच्छा, पैकिंग खुले बगैर भी आप दो साल के ऊपर 6 महीने तक इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, चलो बेहतर ही है की आप 2 ईयर्स ही है इसकी, जो है वही सामान की। सो ये 2 साल की शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, आप ही डील करते हैं खाली? अच्छा, ठीक है, चलिए चलें जी, लेट मी करेक्ट माय स्टेटमेंट, बाकी कोरियन प्रोडक्ट एक्सपायर सेल हो रही है, मगर ये तो सिर्फ यही ऑथराइज्ड डीलर है,
अच्छा जी, ये मुझे लग रहा है कुछ माइल्ड मेडी फ्लावर जी, ये हमारे पास एक थोड़ी सी मेडिकेटेड समझने प्रोडक्ट है, एंटी रिंकल की और पिगमेंटेशन की। खवातीन जो बड़ी एज की होती है उनको बड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा होता है कि स्किन काफी खराब हो चुकी है, पिगमेंटेड हो चुकी है, जगह जगह धब्बे पड़े हुए हैं और आपकी रिंकल्स भी इतने ज्यादा हो रहे हैं, फाइन लाइन्स जो बन रही होती हैं आपके लिप एरिया के पास। तो ये सब चीजें जो है ना, ये आपके इसके अंदर इंग्रीडियंट्स ऐसे हैं नियासिनामाइड के अलावा, लेकिन है ये सब नेचुरल है। इनके इनके लेबोरेटरी में टेस्ट किए जाते हैं पूरे, और फिर इसके बाद ये अब जो है कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो ये एंटी रिंकल एम्प्यूल है, ये भी सिरम ही है और ये आपके एंटी रिंकल पे बहुत अच्छा इफेक्ट करता है और आपको कंट्रोल करता है। और ये किस एज से यूज कर सकते हैं आप? आप हमारी सारी प्रोडक्ट्स वैसे तो हर एज ग्रुप यूज कर सकता है, इसलिए कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये मैं रिकमेंड करूंगी 35 से अबव के। ओके, so I am extremely thankful for your time and the wide range of product which you have shown and shared to shared with us. But one thing left, I think ये DP वाली मेरी चीज हमारे discussion में रह गया था, ये क्या है? deep panthenol C का? नहीं, ये ingredient इसके अंदर deep panthenol का ingredient मौजूद है, ये skin repair पे काम कर रहा होता है। जैसे आपकी skin harsh हुई भी है, आपकी skin जो है वो अक्सर होता है बहुत सारे जो skin पे जो है वो गढ़े बन गए हैं, तो ये deep panthenol जो है ना skin repairing के लिए। मतलब ये acne के बाद, जैसे मुझे भी लगता है यहाँ मेरे जगह पे acne था, वो रिमूव तो गड्ढा पड़ गया, तो ये फिल हो जाएगी स्किन? इससे फिल तो, ये फिलर के तौर पर, वो तो फिलर्स होते हैं। अच्छा, सिलिकॉन फिलर्स होते हैं, धब्बे बन जाते हैं ना, हम धब्बों को रिमूव करेंगे। देखिए, वो गढ़ा तो कोई वो फिलर ही काम करेगा। मैं अभी भी अच्छाई से आप लोगों को बताऊंगी चीजें, गढ़ा फिल करने के फिलर्स ही यूज होते हैं, लेकिन ये आपको जो धब्बा पड़ जाएगा ना उसके ऊपर, उसको ये कम करता है डीप पैंथेनोल, क्योंकि रिपेयरिंग क्रीम। ओके, सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, लड़कियों के लिए खास तौर पे बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था, क्योंकि आजकल की लड़कियों को बड़ा क्रेज है और हर जमाने की लड़कियों में होता है अपनी स्किन को लेके। हमारी दादी अपने जमाने में कहती थी कि देयर वाज द ओनली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो हम यूज करते थे जो कि तिब्बत स्नो थी, और दादी वाज सो एक्सपर्ट इन बाइंग तिब्बत स्नो कि वो खुद जाके लेकर आती थी, एंड एट द एज ऑफ अराउंड 85 प्लस वो डेली बेड टाइम पे यूज करती थी माशाल्लाह, एंड उनकी स्किन जो है आजकल की लड़कियों से बहुत अच्छी थी और बहुत ग्लोइंग स्किन थी, जस्ट बिकॉज कि वो अपना यूज करते थे अच्छे प्रोडक्ट उनके जमाने में जो भी अवेलेबल थे। फिर वो अपनी डाइट से भी क्या करते थे, मगर डाइट तो अब इतनी खराब हमारी हो गई, तो कम से कम अच्छे क्वालिटी के स्किन केयर प्रोडक्ट तो हम यूज करें, और ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो रिलायबल हैं और इसके लिए एक आपको गारंटी मिल रही है कि हमने घर में यूज किए हैं, मेरी वाइफ भी मजिया ने भी काफी प्रोडक्ट यूज किए हैं, शुरू कर रही है यूज करना। तो आई होप यू लाइक दिस कॉन्टेंट, यू लाइक दिस व्लॉग, एंड इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन क्वेरी आप फेसबुक लिंक पे जाएं, इनको डीएम करें, इनको मैसेज करें, और इनके व्हाट्सएप नंबर पे भी यू कैन टेक देयर एडवाइस, दे विल गाइड यू, और अगेन मेरे कमेंट करके जाएंगे व्लॉग के ऊपर तो यू विल गेट 20% डिस्काउंट। सो आई होप यू लाइक दिस वेरी यूनिक एंड डिफरेंट कॉन्टेंट, इट इज मोर इन्फॉर्मेटिव, ज्यादा आपके लिए एक हेल्थ इशूज के ऊपर एक टॉपिक था। तो सी यू अनदर टाइम, अनदर इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।